फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सेफ्टी इन पॉकेट आज हम डिस्कस करेंगे हॉस्ट सेफ्टी के बारे में अभी देखेंगे व्हाट इज हॉइट हॉस्ट एक मैकेनिकल लिफ्टिंग इक्विपमेंट होता है जिसमें आ, और जिसको मेन और मटेरियल को रेज और लोअर करके एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अभी देखेंगे हॉस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट सभी हॉस्ट में गुड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए जो कि सभी मटेरियल और सही सा, मटेरियल और सही स्ट्रेंथ में होना चाहिए एक कॉम्पिटेंट पर्सन को और एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा हॉइस्ट को एग्जामिन करना चाहिए जो कि हर सिक्स मंथ में होना चाहिए सभी हॉइस्ट के ऊपर S.W.L. क्लियरली मार्क होना चाहिए और S.W.L. से ज़्यादा लोड कैरी नहीं होना चाहिए जिस हॉस्ट में मैन पावर को कैरी किया जाता है उसमें हमें एनश्योर करना चाहिए कि उसकी कि उसकी जो केस है उसकी बोथ साइड में गेट होना चाहिए और वो गेट इंटरलॉक होना चाहिए जिसकी वजह से जब केस लैंडिंग कंडीशन में होगा उसके बाद गेट ओपन होना चाहिए अदरवाइज गेट क्लोज ना होने तक केस और हॉस्ट मूव नहीं होना नहीं होना चाहिए हॉर्स्ट में लोड कैरी को हॉर्स पावर में कैलकुलेट किया जाता है सो हॉर्स पावर इक्वल्स टू एल इन टू एस बाय फोर फिफ्टी वेर एल इज़ लोड इन एल वी एस एंड एस इज स्पीड ऑफ द हॉर्स्ट इन फीट पर सेकेंड तो अभी देखेंगे हॉर्स्ट में क्या क्या हजार्स हो सकता है तो पहला हाजर है फॉलिंग ऑफ पर्सन फ्रॉम हाइट नेक्स्ट फॉलिंग ऑफ मैटेरियल फ्रॉम हाइट लोगों का गिर जाना और मेटेरियल का गिर जाना अवॉइडिंग सेफ्टी डिवाइसेस कॉजे हाजर जो सेफ्टी डिवाइसेस होता है उसको अगर और सेफ्टी फैसिलिटीज होता है उसको अगर हम अवॉइड करते हैं तो हाजड़ हो सकता है ऑपरेटिंग हॉर्स्ट विदाउट स्किल नॉलेज एंड ऑथराइजेशन विदाउट ऑथोराइजेशन और विदाउट स्किल और नॉलेज अगर हम उसको ऑपरेट करते हैं तो हाजड़ हो सकता है लिफ्टिंग लोड्स मोर देन एच डब्ल्यू एल जो एच डब्ल्यू एल और सेफ वर्किंग लोड होता है उससे ज़्यादा अगर हम लिफ्ट लोड लिफ्ट करते हैं तो हाजर हो सकता है अभी देखेंगे हॉश ऑपरेशन में सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या लेना चाहिए नो लोड ओवर एच डब्ल्यू एल एच डब्ल्यू एल से ज़्यादा लोड हम नहीं लेंगे मार्किंग ऑफ एच डब्ल्यू एल एंड लोड इंडिकेटर फॉर बैरिंग एस डब्ल्यू एल पिक ऑफ द लोड ओनली वेन इट इज़ डायरेक्टली अंडर द हुक जब हम लोड पिक करते हैं अगर लोड डायरेक्टली हुक के अंदर होता है तभी हमें लिफ्ट करना चाहिए अदरवाइज उसके वजह से स्ट्रेस हो सकता है ड्राइवर केबिन क्लियरली विजिबल होना चाहिए ऑपरेटर के बारे में इंफॉर्मेशन भी रखना चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर वार्निंग डिवाइसेस एंड एस ओ पी फॉर सेफ ऑपरेशन सेफ ऑपरेशन जब हम आ, आ, रेस करते हैं और लोयर करते हैं लोड को सेफली कैसे किया जाता है इसके लिए सेफ ऑपरेशन और सेफ सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजियर को फॉलो करना चाहिए ड्यूटीज ऑफ ड्राइवर वाइल लिविंग द कैबिन शुड बी प्रेस्क्राइब्ड एंड फॉलो जब एक ड्राइवर कैबिन को लिफ्ट करके जाता है और छोड़कर जाता है उसके टाइम उसको क्या करना चाहिए उसको भी फॉलो करना चाहिए पीपल शुड नॉट बी लिफ्टेड बाई हॉस्ट इफ इट इज इट हैज़ नो फैसिलिटीज फॉर इट लोगों को लिफ्ट करने के लिए अगर फैसिलिटी नहीं होता है तो उनको कैरी करना नहीं चाहिए लिमिट स्विचेस टू प्रिवेंट ओवर ट्रैवलिंग और ओवर ट्रांसपोर्टिंग हॉस्ट लिमिट स्विच टू कट ऑफ पावर एंड अप्लाई ब्रेक ब्रेक्स वेन नेसेसरी एमरजेंसी बटन फॉर प्रॉम्प्ट यूज और क्विक यूज आइसोलेशन स्विच टू कट ऑफ पावर एक्सेप्ट लाइटिंग एंड प्रॉपर आर्थिंग प्रॉपर आर्थिंग के लिए आइसोलेशन आइसोलेशन स्विच होना चाहिए पावर कटअप के लिए एक्सेप्ट लाइटिंग पायलट लैम्प और रेड लेंस टू इंडिकेट ऑन और ऑफ कंडीशन वो हॉएस्ट ऑन और ऑफ कंडीशन में है या नहीं उसको और कैबिन में एक पाइलट लैम्प होना चाहिए जिसकी वजह से पता चलेगा कि ये ऑन कंडीशन में है और ऑफ कंडीशन में है हैंड लैंप ऑफ 24 फोर वोल्ट मीन्स ऑफ एंकरेज वेन द हॉएस्ट इज लेफ्ट ऑन अटेंडेड एंकरेज फैसिलिटीज रखना चाहिए जबकि हॉयस्ट में कोई नहीं होता है प्रॉपर चेकिंग बिफोर ईच यूज हर वक्त यूज करने से पहले प्रॉपरली हर्ष को चेक करना चाहिए तो ये हो गया हर्ष्ट के बारे में कुछ जानकारियाँ थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू